ये बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि दो स्टंट बचे हुए, आप करके देख लो, आपको भी पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। जो सनातन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। 22 जनवरी को रामलल्ला विराजमान हो जाएंगे अपनी जन्मभूमि के स्थान पर, जहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके का मंदिर जो है राम जन्मभूमि के स्थान पर बन रहा है। पूरे देश भर में लहर है, पूरे देश भर में लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रामलल्ला का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसी तरीके से उस दिन दीपावली मनाई जाए। देखिए, अयोध्या में रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम वृंदावन में मौजूद हैं। कृष्ण की नगरी है, बाजू में मथुरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अयोध्या जन्मभूमि से मथुरा जन्मभूमि तक का जो सफर है वो हम लोग तय कर रहे हैं, और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या के श्री राम के लोग के लिए लोग क्या सोचते हैं वो हम जानने के लिए आए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है, और बड़ा अच्छा लग रहा है 500 वर्षों के बाद रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी, सभी सनातनी हिंदू आज बहुत खुश हैं। ब्रज में तो आप लोग तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी लड़ रहे हैं, तो जैसे भगवान राम ने सफलता अर्जित की अपने केस में और उसके बाद में वो जीते और अब आज वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि भगवान कृष्ण भी जीत जाएंगे और विराजमान होंगे? देखिए, भगवान श्री रामलला विराजमान होने के बाद अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भगवान श्री राम का मंदिर पे जो अवैध कब्जा हुआ था वो न्यायालय के द्वारा बहुत जल्दी हटने वाला है। सर्वे का ऑर्डर हो चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं जब भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में भव्य बनेगा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, जो निमंत्रण आया है उस पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। दक्षिण भारत के एक नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक स्टंट, जैसे इन्होंने पुलवामा करवाया था उसका स्टंट किया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, वोट ले लिए। ऐसी राम जी को ये एजेंट बना के रखे हुए हैं अपने वोट के लिए, इतना जो चल रहा है तामझाम। आप आम नागरिक के क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वोटों की कोई राजनीति नहीं है। सब ये भगवान राम का है, राम का ही देश है और देश राम का ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने दिनों बाद सौभाग्य है आपको कि और हमको कि हम लोग विराजमान होते हुए देखेंगे रामलला को 450 साल के। देखिए, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और मैं हिंदू महासभा से संगठन मंत्री हूँ, पूजा शर्मा। अच्छा, जी हाँ, हमारा तो पूरा देश अपनी जनता के ही उसमें है, और पूरी उम्मीद है कि हमारा जो रामलला का मंदिर बन रहा है श्री कृष्ण का भी वैसे ही बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं, और अब मथुरा और वृंदावन के आसपास के लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमारे कान्हा का विराजमान हूँ है। देखिए, रामलला तो झांकी है और मथुरा काशी अभी बाकी है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक तथाकथित नेताजी ने जवाब कुछ क्वेश्चन किया है, स्टंट है। मैं तो कह रहा हूँ कि दो स्टंट बचे हुए, आप करके देख लो, आपको भी पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा। जो सनातन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। और सभी सनातनी चाहते हैं कि जो उनके आराध्य हैं, ईष्ट हैं, उनको भैया उन तक पहुंचाओ, उन तक उनके आने दो। आप अपने पिताजी से पिताजी नहीं कह रहे, दूसरे पिताजी से पिताजी कह रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन, ये बताइए कि कौन कौन 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान हो जाएंगे उस दिन दिवाली मनाएगा? हम लोग दीपावली मनाएंगे, जब पूरा देश मना रहा है। हम सब मनाएंगे, सारे मनाएंगे, मनाएंगे। भगवान राम ने अक्षत अयोध्या से अक्षत आई है, घर घर पहुंचाएंगे और निमंत्रण दिया है। दीप जलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ इन नेताओं से कि पहले तो ये राम को काल्पनिक बताते थे, और आज ये कह रहे हैं कि हमको अब नौता नहीं मिल रहा है। भाई, तुम्हें काई बात का नौता दें? जब तुमने राम जी को हमारे को काल्पनिक बताया, 20-20 वकीलों की फौज खड़ी करी तुमने, किस बात का नौता? नहीं, लेकिन अब न्योता तो मिल गया है, न्योता तो मिल नहीं, सुनिए, अभी आप कुछ बोलना चाहते थे, 2 मिनट रुक जाइए। न्योता मिला है, लेकिन अभी धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी कि जाएं तो कुछ विपक्ष के लोग जो साथी हैं वो नाराज हो जाएं, और ना जाएं तो पब्लिक नाराज हो जाए। तो करें क्या? सही कह रहे हैं, क्या करें विपक्षी? विपक्षी के पास में अब कोई भी उनके लिए कुछ करने कुछ है नहीं। अब वो कुछ सोचने को मजबूर होगा, हम करें तो क्या करें? काल्पनिक वाले अब क्या करें? आप काल्पनिक की जगह पे तो वास्तविक हो गया मामला, वास्तविक हो गया, वो कुछ कर ही नहीं सकते। कह रहे हैं कि राम नाराज हैं। भगवान एक तो कभी किसी से नाराज नहीं होते, भाई साहब की एक बात। दूसरी बात, अभी आपने भाई साहब से सवाल पूछा स्टंट वाली बात,
तो देखो भगवान की आड़ में अगर जो कोई चुनाव प्रचार कर रहा है वो आगे भी कर रहा था, पीछे भी कर रहा था और आगे भी चलता रहेगा। भगवान की आड़ में जो भी काम कर रहे हैं तो भगवान की आड़ में काम तो हो तो रहा है, लेकिन एक उसके पीछे जो वैमनस्यता है लोगों की, वो लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। एक धार्मिक के पीछे पूरा इलेक्शन प्रचार प्रचार किया जाता है। मोदी जी तो भारत विकसित संकल्प यात्रा कर रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं HIV से लोगों की इतनी मौतें हो रही हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं किया जा रहा था। और जब मैं अपने NCC के दौर में था तो मैंने कम से कम 2 या 3 ट्रेनों में, एक मैं बात बता दूं, 2 या 3 ट्रेनों में खुद ड्यूटी दी थी। और आज तक जो भारत विकसित संकल्प यात्रा है, जो भी मोदी जी की योजना, उस पर मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगा के, रामलला का फोटो लगा करके, केवल और केवल जो एजेंडा है वो इलेक्शन 2024 लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे। एजेंडा है। देखो विपक्ष भी लगातार कह चुका है, उन्होंने इतनी सारी बातें की, अंतिम में समझ में आया कि कहना क्या चाहते थे। ये कहना ये चाह रहे एजेंडा है, जो कांग्रेस के नेता कह रहे कि ये भगवान राम को एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रचारित ऐसा कर रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ कर दिया और बस वोट दे दो, वोट के बाद भूल जाएंगे। भगवान वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, एजेंडा है वो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं राम का, उन्होंने काल्पनिक बताया। अब जैसा आप यूज करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो कृष्ण के वंशज बता दो, वो बता दो, क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप? अब क्या कृष्ण के विपक्ष की समझ में नहीं आएगा, विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा। एक चीज बताइए, ये लोग जनेऊ के ऊपर, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग, ये कहे कि ये काल्पनिक है, राम काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोग, जो किस मुंह से कह रहे हैं कि ये जो है एजेंडा है। अरे एजेंडा नहीं, ये तो सनातन की पहचान है, सनातन का परचम लाया जा रहा है, सनातन की विजय हुई है, सनातन की जो लोगों की भावना थी, जो लोगों की जो मन में जो अब तक जो टीस थी वो पूरी निकल रही है। अब दीपावली अभी 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 एक सवाल ये आ गया है कि तमाम सारी बातें, एजेंडा है, ये है, वो है, अब तो रामलला विराजमान हो गए। अभी भी उन लोगों के पास मौका है जो राम का विरोध कर रहे थे, वो शाम का विरोध ना करें और शाम का मंदिर बनवाने में काम करें। क्या कहते हैं? ये बात सही है, जो भगवान राम का श्री राधे। क्या आपका नाम क्या है? जयवीर सिंह यादव जी। यहाँ देखिये यदुवंश से है ये, भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से बनना चाहिए और पूरा समर्थक, हम तो पूरा समर्थक है। आज मुझे आप एक बात बताइए कि अयोध्या के जो समर्थन में, ये समर्थन में जी, अयोध्या के जो पुजारी हैं भाई, राम मंदिर का उद्घाटन करने से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि पूर्ण होने के बाद में उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन मंदिर आधा बना है तब भी उद्घाटन की किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एजेंडा चल रहा है इनका इलेक्शन 2000। एजेंडा देखिए, यहाँ पर वो लोग भी है जो समर्थन देते हैं और वो लोग भी है जो समर्थन नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पीछे देखिए, जय श्री राम। तो क्या लग रहा है, ये मंदिर जो बन गया है ये किसकी जीत है? सनातन की जीत है, राम भक्तों की जीत है, संविधान की जीत है, किसकी जीत मानते हैं आप? मैं समझता हूँ ये उन राम सेवकों की जीत है जिनने 1992 में अपना सर्वस्व बलिदान दिया, अपने प्राण न्योछावर बलिदान दिया, उस दिन का चला हुआ ये यज्ञ आज ये 22 जनवरी को उसमें पूर्ण आहुति डलेगी। और ये जो लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राम जी को एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए, जीतने के लिए। विपक्ष को कुछ तो कहना है, नहीं कहेंगे तो उनको विपक्ष कौन कहेगा। बिल्कुल देखिए, तो यहाँ पे एक तस्वीर बिलाल, ये सामने की तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये 1991, उसमें लिखा हुआ है 4 अप्रैल 1991 की ये तस्वीर है जिसमें ये दोनों हाथ ऊपर करके साध्वी रितंबरा जो यहाँ पर दीदी माँ है, वो उस समय से लगातार जो आंदोलन चल रहा था उसकी एक तस्वीर है ये, और आज उनकी किताब का विमोचन भी हुआ है। ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कहती है कि कब से आंदोलन चल रहा था और आज इस आंदोलन की जो परिणति हुई है वो इस तरीके से एक भव्य राम मंदिर। बिलाल इस तस्वीर के बाद में ये तस्वीर दिखाइए और यहाँ लोगों के बीच में चर्चा भी करूंगा। अब तो विपक्ष को बहुत सुने ना आप सर है, राम का विरोध करने वाले कृष्ण भगवान का विरोध नहीं करें, इसलिए उनका ऐसा लग रहा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि राम का विरोध तो कर रहे थे, अब कृष्ण जी के मंदिर के लिए बात चल रही तो विरोध नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, अभी तो राम का ही चल रहा है, अभी तो
कृष्ण जी का बनना चाहिए कि नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा विवाद विवाद चल रहा है। हाँ, बनना तो चाहिए लेकिन पहले राम का बन जाए ना। बन तो गया, तो 22 तारीख को जाना है। हाँ, दिवाली मनाना है। दिवाली मना के फिर 22 को दिवाली मनाएंगी। प्रधानमंत्री बोले दिए जलाएंगी, जलाएंगे जी, मिठाई बांटेंगे। और हमें कृष्ण जी का मंदिर जरूर चाहिए। हमें बहुत गुस्सा आया जब हमने उनके ऊपर मस्जिद देखी तो दिमाग खराब हो गया। ये मुसलमानों और मुगलों को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? राम जी का तो बन गया, आप कृष्ण जी का ही बन जाए। बिल्कुल बनना चाहिए और मैं तो यही चाहती हूँ। और जैसे सिया राम जी का उतार हुआ हमारे इस जीवन में जो कुछ मिला है, मैं माँ का जिनसे श्री कृष्णा शर्मा बोल रही हूँ, वो मेरे तो बहुत ज्यादा सेवा का मनोरथ है। मेरा तो अयोध्या से भी आ गया है उनके जी। जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मौका उनको भी मिला था पर उन्होंने इनकार कर दिया। वैसा नहीं है तो क्या कहेंगे? एक बार नारा लगाना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। क्या कहेंगे? राम मंदिर तो बन रहा है, दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। दिवाली मनेगी, ये नए भारत का पुनर्जागरण का काल है। अच्छा, राम की स्थापना होते ही भारत के नक्षत्र बदल जाएंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे, पूरे विश्व के नक्षत्र बदल जाएंगे, क्योंकि पूरा संसार भयभीत है उन शक्तियों से, जो पश्चातवादी शक्तियां, जो पाश्विक शक्तियां, उनसे पूरा संसार भयभीत है। पूरे संसार का जो बुद्धिजीवी है वो भारत से आशा कर रहा है कि ऐसे लोग आगे आए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, सारी ब्रह्मांड में अपने आत्मा का दर्शन करते हैं। ये विचारधारा ही आने वाले संसार को बचाएगी। इसलिए हिंदुत्व बचेगा, भारत बचेगा, तो पूरा संसार बचेगा। पूरा भारत बचेगा, संसार बचेगा। क्या कहना चाहेंगे? राम लल्ला तो अब आ गए जी, दिवाली मनाएंगे जी, कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि के लिए क्या कहना चाहते? राम को पाया, कृष्ण को भी पाएंगे। कृष्ण को भी पाना है, कृष्ण का भी मंदिर बनवाना है। मंदिर बनेगा मथुरा में, कृष्ण मंदिर बनेगा। आइए बिलाल, आगे की तरफ आइए। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ यहाँ पर लोगों का मानना है। देखिए, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आम जनता यहाँ पर मौजूद है, और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का। देखिए, यहाँ पर ये लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। कृष्ण जन्मभूमि पास में ही है। हाँ जी। और राम जन्मभूमि में तो राम जी आने वाले हैं 22 को। हाँ, कैसा लग रहा? बहुत आनंदित है हम। जब राम जी हमारे आ रहे हैं 22 तारीख को, तो पूरा भारतवर्ष राम जी की उसमें बहुत आनंदित मना रहा है। और 22 तारीख को पूरा भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी दिवाली मनेगी। दिवाली मनेगी। कहाँ से आई हो माता राम? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से आई है माता राम, जयपुर दीदी के यहाँ पर उनके जन्मोत्सव में। अच्छा, यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है, गई हो दर्शन की हो? हैं, कृष्ण जी जन्मभूमि के दर्शन की हो? वो बाजू में मस्जिद है, कहते हैं कि वो नहीं गए। राम जन्मभूमि हाँ, अलग है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है। वहाँ गई हो आप? नहीं, अभी वहाँ नहीं पहले गए। वहाँ पे भी मस्जिद है। अच्छा, तो वहाँ का भी केस चल रहा है। तो ये बताइए, राम जन्मभूमि तो राम आने वाले हैं 22 जनवरी को, फिर क्या करेंगी? दिवाली वाली कुछ मनाएंगी? पटाखे वटाखे फोड़ेंगे? खुशी मनाएंगे पक्का? हमारा तो राज हो गया। 22 जनवरी को जब रात होगी तो दीपक जलाएंगी? जलाएंगे, क्यों नहीं जलाएंगे? जलाएंगे, मनाएंगे। कैसे मनाएंगे? मनाएंगे कैसे? मनाएंगे राम जी के आने पर। मनाते हैं उससे ज्यादा मनाएंगे, खूब सारे दीपक जलाएंगे, दिवाली से भी अच्छे मनाएंगे। दिवाली तो बहुत जोरदार मनाएंगे 22 जनवरी को, लेकिन साथ में अभी हमको कृष्ण जन्माष्टमी भी जम थम से मनानी है। मस्जिद को वहां से हटना ही चाहिए। हमारे राम जी आ गए हैं तो कृष्ण जी भी पक्का आएंगे। अब देखते जाइए, बस थोड़े दिन की बात है। अब हम कृष्ण जन्माष्टमी भी हमारी ही भूमि पर खूब धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।